विराट कोहली की रिकॉर्ड तोड़ सेंचुरी। मजा आ गया। विराट कोहली ने 49वीं वनडे क्रिकेट में सेंचुरी आज मार दी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। सचिन तेंदुलकर के की रिकॉर्ड की बराबरी की है आज। 119 बॉल पर सेंचुरी आई विराट कोहली की। वर्ल्ड कप 2023 में विराट कोहली की ये दूसरी सेंचुरी, दूसरा शतक, और इसी सेंचुरी के साथ वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 49 सेंचुरीज के रिकॉर्ड को बराबर कर दिया है। विराट कोहली जबरदस्त आज बैटिंग में दिखाई दिए, अभी भी क्रीज पर हैं और अभी 50वां ओवर चल रहा है और यहां पर टीम इंडिया बड़े स्कोर की तरफ दिखाई दे रही है। लेकिन विराट कोहली की सेंचुरी के बारे में बात कर लेते हैं। विराट कोहली के जो 100 रन थे वो 120 बॉल पर आए, 10 चौके इस इनिंग में उन्होंने लगाए, 83.33 का स्ट्राइक रेट। यहां पर विराट कोहली की ये जबरदस्त पारी, और ये जबरदस्त पारी इसलिए क्योंकि एक समय पर ऐसा लग रहा था कि ये जो पिच है कोलकाता की वो काफी स्लो हो गई है, वहां पर विराट कोहली भी थोड़े से स्लो हो गए थे, लेकिन उसके बाद ये जो जबरदस्त सेंचुरी आई विराट कोहली की, वो खड़े रहे वहां पर मैदान पर, वो बने रहे और उसी के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक पार्टनरशिप भी जबरदस्त बनी विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच। 158 बॉल में 134 रन की ये पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप तब आई जब दूसरा विकेट भी गिर गया था, और उसके बाद यहां पर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की 134 रन की जबरदस्त मजबूत साझेदारी 158 बॉलों में आई, और अब टीम इंडिया 325 रन 5 विकेट के नुकसान पर, एक बॉल बची है, विराट कोहली क्रीज पर है। विराट कोहली, देखना होगा कि विराट कोहली इस टीम की इंडिया को कितना बड़े स्कोर की तरफ ले जा सकते हैं। विराट कोहली का एक भी छक्का नहीं आया अभी तक। हाँ, ये बात तो है, थोड़ा सा रिस्क फ्री विराट कोहली की सेंचुरी आई है, और इसी के साथ 326 रन टीम इंडिया का स्कोर, 326 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को कोलकाता में वर्ल्ड कप के इस मुकाबले में 327 रन का टारगेट दिया है। तो टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली जबरदस्त 101 शगुन के 101 रन नॉट आउट। विराट कोहली लौटे हैं भारत में, पंजाबी हैं विराट कोहली। भारत ने 326 रन बनाए हैं, साउथ अफ्रीका को 327 रन का टारगेट दिया है ये मैच जीतने के लिए। विराट कोहली के नॉट आउट 101 रन, उसी के साथ श्रेयस अय्यर के भी जबरदस्त 77 और रोहित शर्मा के बहुत ही जबरदस्त 40 रन। इन 40 रन के बारे में भी बहुत बातें करेंगे आज, लेकिन अभी जो न्यूज है वो ये है कि भारत ने कोलकाता में एडन गार्डन्स के मैदान पर 326 रन बना दिए हैं अपनी पहली पारी में। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करी थी टीम इंडिया ने, और ये जो टीम इंडिया का ये जो डिसीजन था बहुत ही बढ़िया निकला। यहां पर इंडिया ने 326 रन का पहाड़ खड़ा किया है। अब इस पहाड़ को कोई टाप पाएगा या नहीं टाप पाएगा, लेकिन पहाड़ को कोई तोड़ पाएगा? हाँ, ये वही पहुंच रहा, ये तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा, इन ये सारे जवाब किसके पास है? आकाश भाई के पास है। आकाश भाई का बहुत स्वागत है। आकाश भाई, टीम इंडिया 326 रन अच्छे रन बना दिए, और ये पिच किस तरीके की है ये बताइए पहले। पिच जो है एक्चुअली थोड़ी सी धीमी है। थोड़ी सी धीमी है, इसको स्पिनर्स पे, स्पिनर्स को एक्चुअली इस पिच पे मदद मिल रही है। पिछला मैच अगर इफ एनीथिंग टू गो बाय है तो इसका मतलब यहाँ ड्यू भी उतने आने के आसार नहीं है, तो आज आप समझ सकते हैं कि दोनों स्पिनर्स को भी यहाँ पे मदद मिलेगी। 326 रन सी आइसोलेशन में अगर आप देखते हैं तो 326 रन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 326 हैं, सामने टीम भी अच्छी है, साधारण नहीं थी। पर हमने तो पिछले मैच से पहले बाद में भी यही बात की थी कि हम थोड़े से लालची हैं, 350 बनाए थे, हम कह रहे थे 400 बनने चाहिए। आज 326 बनाया तो हम कह रहे हैं यार पॉसिबल था कि 350-55 बन सकते थे, जो बन सकते थे, मतलब हो सकता था कि वहां तक पहुंच जाते, पर नहीं पहुंचे हैं। और एक बात शायद ये भी थोड़ा सा एहसास होना शुरू हो जाएगा कि अब अगर हार्दिक पांड्या नहीं है तो कितनी फायर पावर आपकी बैटिंग में और है या नहीं है, क्या उसकी वजह से खेलने के अंदाज में कुछ बदलाव आ रहा है, क्योंकि अभी तो जड्डू ने अच्छा काम कर दिया है, पर जड्डू के बाद तो देखिए कोई नहीं था ना, उसके बाद तो सिर्फ बॉलर ही नजर आते हैं, तो शायद माइंड सेट में थोड़ा सा बदलाव वहां नजर आ रहा है कि यू गो इजी, ज्यादा अग्रेशन की आवश्यकता नहीं। 32-33 ओवर के अराउंड जो है, मतलब 200 रन बन चुके थे और उसके बाद 40 ओवर तक पहुंचे तो 239 ही दिख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं बीच में स्लो हो गए थे। अब ये बैटिंग, मतलब अपनी बैटिंग स्लो हुई है, पिच स्लो हुई है, या साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने वो जो कटर्स और स्लोअर वंस मारना शुरू करा था वहां पे थोड़ी दिक्कत आ गई थी बैट्समैन को? देखिए बोलिंग तो बीच में, जैसे केशव ने 10 ओवर में मात्र 30 रन दिए, तो उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की थी। तबरेज शमजी को जब डिसाइड किया श्रेयस अय्यर ने कि मैं इनको टेक डाउन करूंगा, तो उन्होंने टेक डाउन किया भी। अभी हमने वो साझेदारी दिखाई थी जिसमें 134
25 रन की साझेदारी थी जिसमें 77 रन जो थे वो श्रेयस अय्यर के थे, तो वो अग्रेसर का रोल अदा कर रहे थे। तो कई बार ये भी होता है कि अब आखिरी के 10 ओवर भी अगर आप देखेंगे तो सूर्य कुमार यादव एक्चुअली स्कोर कार्ड खोल के बताया था आपको, क्योंकि 15 बॉलों में तो ये मतलब 14 में 22 15 में 29 ये जाडेजा है, यानी कि 29 गेंदों में आपने 51 रन बनाए। तो ऐसा नहीं है कि 5 में 50 नहीं बन सकते, ये दो लड़के आप ही के हैं और ये बाद में बैटिंग करने आए, सेट होने का कोई टाइम नहीं था, तो भी वही गेंदबाज थे, तो वहां पे तो इन्होंने 29 गेंदों में 51 रन बनाए हैं। तो थोड़ा सा धीमे तो हुए हैं, पर अच्छी बात क्या है कि भारतीय गेंदबाजी में इतना दम है कि ये 326 भी वो ऑलमोस्ट 375 जैसे फील होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अभी कोलकाता चलते हैं, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी कपिल भाई। कपिल भाई से जानेंगे कि भाई कोलकाता में किस तरीके का यहां पर अब माहौल जमा है जब 326 रन बन गए हैं। कपिल भाई, 326 रन टीम इंडिया ने बनाए, एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था जैसे जब पहले 10 ओवर में जिस तरीके से पिटाई कर रहे थे कि 400 की तरफ जाएगा, लेकिन शायद यहां पर पिच भी स्लो हो गई, क्या विराट कोहली भी स्लो हो गए, लेकिन जो आपके पीछे जो फैंस हैं वो क्या स्लो हैं या उनका जोश काफी हाई चल रहा है, कुछ बताएं। विराट की सेंचुरी के बाद तो थोड़ा सा हाई होगा ही मेरे ख्याल से। बिल्कुल चयन, आकाश जी ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया कि ये 360 भी हो सकते थे, इनफैक्ट ये 355-50 तो होने ही चाहिए थे। आप 20-25 रन शॉट कहलाते अगर आपकी गेंदबाजी ऐसी नहीं होती तो, लेकिन हम कहते हैं ना, टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो, ODIs हो, पार्टनरशिप इज द नेम ऑफ द गेम। आपको श्रेयस अय्यर की भी तारीफ करनी होगी, वो एट विल जिस तरीके से छक्के लगाते हैं आजकल, भले ही शुरुआत में थोड़ा धीमे थे, आज रन बॉल भी नहीं थे काफ़ी देर तक, लेकिन वो कवर अप कर लेते हैं, तो वो पार्टनरशिप बहुत अहम थी यहाँ तक पहुँचने के लिए, विराट को एक वो प्लेटफॉर्म देने के लिए कि 100 तक जाएं आप। लेकिन यही जो फर्क है, 22 में 5 चौके आप देखिए रविंद्र जडेजा के, और जड्डू के आप देखिए ये जो 3 चौके 1 छक्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 275 और 326 के बीच का फर्क है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की, और यहाँ पर जडेजा को टर्न मिलने वाला है। विराट कोहली को रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेग साइड का फील्ड पूरा पैक कर दिया, डीप स्क्वायर लेग ले लिया, मिड ऑन ले लिया, डीप मिड विकेट ले लिया, सब कुछ ले लिया, और तबरी शमसी से कहा कि लेग स्टंप पे उसको बॉल डालिए, तो वहाँ पर थोड़ा सा फंसाने की कोशिश ज़रूर की, और एक वक्त लगा कि वो जो बड़े हिट्स आने चाहिए थे वो उस वक्त नहीं आए, लेकिन खैर हमारे पास वो गेंदबाजी है जो मुकाबले जिता देगी। लोगों से जानते हैं यहाँ पर क्या लग रहा है उनको। विराट कोहली कमाल का शतक, 325 बहुत है, 326 बहुत बहुत है, बहुत है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैप्पी बर्थडे अभी साउथ अफ्रीका के बाद भी अच्छी बैटिंग है, तो अभी हमारे पास शमी है, बुमराह काफी है संभालने के लिए। स्पिन पूरा मचा देगा, स्पिन का आज दिन है पूरा, अच्छा पूरा स्पिन मचा देगा, स्पेस का तो होगा बट स्पिन आपका दिखेगा आज, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो भी है उसका भी स्पिन दिखा है, हम लोग का भी स्पिन दिखेगा। बिल्कुल, देखिए जडेजा और कुलदीप से बहुत उम्मीदें हैं अब, क्योंकि टर्न दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा टर्न दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब जडेजा को मारना भी आसान नहीं होगा यहाँ। जी जी जी, थैंक यू कपिल भाई, और हमारे साथ अब शोएब भाई भी जुड़ गए, पाकिस्तान के शोएब भाई के लिए तालियां।